तो मेरी जान चिरसई साहब से इस बारे में बात हुई है कि इंशाल्लाह यू नो इन कमिंग डेज इन फ्यूचर टाइम और जल्द ही हम यहाँ पे एक एकेडमी लेके आना, मैं यहाँ पे पर्सनली एकेडमी लेके आना चाहता हूँ अहमद शहजाद क्रिकेट एकेडमी के नाम से। उसमें सर मुझे आपकी आपकी गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, उनके लिए यू नो मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक लैंड की ज़रूरत होगी यहाँ पर। बाकी मेरे दोस्त हैं इंशाल्लाह कुछ जो कि बहुत ज़्यादा यू नो दर्द और ख़ुशी भी रखते हैं यहाँ के या आपके तबके के लिए, इंशाल्लाह वो भी इसमें रेडी हैं कि हम यहाँ पे कुछ ऐसी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ लेके आए, ना सिर्फ क्रिकेट में और जो दीगर खेल भी हैं उस तरह की, वो सारी एक फैसिलिटी के अंदर चीज़ें हों ताकि बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो बाकी सारी चीज़ों से दूर हो के एक अच्छी फैसिलिटी में यू नो हम उन्हें तराश सकें और वो आने वाले दिनों में यहीं से PSL में और PSL से फिर पाकिस्तान टीम में ज़्यादा बच्चे हमें देखने को मिलें। देखें बहुत अच्छी बात है कि एक दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स खेलेंगे वो बलूचिस्तान के जो लोकल बच्चे हैं यूथ है उनके हीरोज़ होंगे और उनको देख देख के फिर जो यहाँ की यूथ है उनका भी दिल चाहेगा और मेहनत करने को और ज़्यादा कुछ करने को, बिकॉज ऐसे ही एक चेन चलती आती है। तो हमारा एम है कि बलूचिस्तान से सुपरस्टार्स निकालने हैं, बलूचिस्तान में जितना टैलेंट है उसको सिर्फ थोड़ा सा बैक करने की ज़रूरत है, उसके लिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मुश्किल है।